नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सीके रेशमा रामकृष्णन, आवाज आसनसोल वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप की ओर से आसनसोल के सभी छठ व्रतियों को ढेर सारी बधाई देती हूँ और साथ ही नमन करती हूँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इस महामारी के समय पिछले मार्च महीने से बंगाल के हर एक जनता के पास खड़ी हुई है और हर एक उत्सव में भी हर एक जनता के पास खड़ी रहते हुए अपना दायित्व पालन किया है। साथ ही मैं हमारे जो लोकल विधायक हैं और नगर निगम को धन्यवाद करूंगी कि इस बार छठ पूजा के अवसर पर हर एक घाट को बहुत अच्छी तरह तैयार किया है और साथ ही लाइट का व्यवस्था किया है। हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, मास्क यूज करें और इस छठ 2020 में अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए और हर्षोल्लास से इस छठ उत्सव का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा उपलक्ष्य हमारे सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस तरफ थेके सब छठ व्रती सबके हमारे शुभेच्छा भालोबासा। আমরা আছি, থাকবো, আগেও করবো। এখনো আমরা ছাড় ঘাটগুলো আমি দেখে এসেছি, চেষ্টা করছি সবটাই আমরা করতে, সাফ সাফাই যেটা করার আছে করছি। বিধায়কের নির্দেশে আমাদের এমএলএ বিধায়ক উপাধি সবাইকে শুভেচ্ছা, সবাই ভালো করে ছাড় পুজো কাটে। छठ घाट और छठ पूजा शांतिपूर्वक मनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जहां वीडियो साहब ग्यारकुंड भी आए हुए हैं और हमारे डीवीसी के भी पदाधिकारी हैं, डीजीएम साहब भी हैं, सीएसएफ के भी टीम आए हुए थे और कल्याणेश्वरी के ओपी प्रभारी भी आए हुए थे और भी तमाम लोग आए हुए थे, एमपीएल से भी आए हुए थे और सभी ने हम लोग मिल करके विचार विमर्श किया है कि कोरोना काल में कोविड जो गाइडलाइन है उसको मनाते, उसको अनुपालन कराते हुए कैसे छठ पूजा मनाना है। तो इसमें कुछ जैसा कि हर त्यौहार में हुआ है उसी तरह का छठ पूजा में भी वो सारे नियम लागू होंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना सभी को अनिवार्य है और एक स्पेशल है ये पूजा के लिए संदर्भ में कि किसी को भी कुल्ला नहीं करना है, वो पानी के अंदर कुल्ला नहीं कर सकता है, थूक नहीं सकता है, उसमें सब लिखा हुआ है कि थूकना नहीं है, तो कुल्ला भी करते हैं तो वो थूका ही माना जाएगा। ये एक स्पेशल है कि पानी के अंदर छठ व्रतियों से अनुरोध है कि वो भी कुल्ला ना करें, क्योंकि एक दूसरे का जब कुल्ला होगा पानी में तो फिर वो संक्रमण का खतरा में हम लोग आ जाएंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था में हम लोग कुछ चेंजिंग किए हैं, जो छठ व्रती हैं केवल उन्हीं की गाड़ियां यहां तक आएगी, बाकी जितने भी लोग होंगे सभी की गाड़ियां बीएसके कॉलेज के पास पार्किंग की जाएगी। और लोगों से निवेदन मेरा ये है कि वो कम से कम संख्या में लोग आएँ। पहली बात यह है कि अगर वो घर पर छठ मनाने की व्यवस्था कर लेते हैं तो उनके लिए उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और समाज के हित में सबसे बेहतर है, उनको भी वही फल मिलेगा, छठ माँ उनको वही फल देगी जो सबके लिए है। तो मैं चाहूँगा कि अथा संभव अगर वो घर पर ही छठ पूजा कर लेते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर उनको ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है, छठ घाट आना ही है तो छठ घाट आवें, लेकिन कम से कम लोग आवें, छठ व्रती हैं और उनके साथ एक दो तीन लोग ही आएँ, तभी वो 6 फीट की दूरी का अनुपालन हो पाएगा, मास्क का अनुपालन हो पाएगा, जो पानी के अंदर जो गलत जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगा, कुल्ला करना, नहाना, ये सब भी प्रतिबंधित है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि कम लोग आएंगे तो वो कानून का अनुपालन कर पाएंगे सही तरीके से, अगर कानून का विरोध होता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो कम से कम लोग आएँ, किसी भी प्रकार का स्टॉल यहाँ नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का मंच नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि नहीं बजेगी,
फायर क्रैकर्स किस पटाखे वगैरह जलाने पर प्रतिबंधित है, तो ये सब हमारा सरकारी स्तर से भी वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा, तो जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे वो कैमरे में आ जाएंगे। इसलिए मैं सबों से निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार से सादगी के साथ कानून और नियम को मनाते हुए छठ पूजा मनाएं, और सभी के लिए मैं छठ पूजा की बधाई भी देना चाहता हूं, और छठ माँ सूर्य भगवान सभी को सम्मति दें, और सभी को वही समान फल प्राप्त होता है जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धा से पूजा करते हैं वो कहीं भी करें, इसे कोई खास अंतर नहीं होता है। मैं सभी से आशा करूंगा कि लोग इस बात को समझेंगे, और हमारा प्रशासन का, हमारे डीवीसी प्रशासन का और तमाम लोगों का ये इसका अनुपालन करके सहयोग करेंगे, इसके लिए मैं बहुत लोगों को धन्यवाद दूंगा।